देखो बेटा, ये कंपनी तो तुम तीनों को ही चलानी है, लेकिन ये कंपनी मैं तुम तीनों में से किसके हैंडओवर करूंगा ये आज डिसाइड हो जाएगा। और उसके लिए मैं तुम तीनों को एक टास्क दूंगा, और उस टास्क को जो पूरा कर लेगा वही इस कंपनी में मेरी पोजीशन लेगा, और बाकी दो भाई उसके अंडर में काम करेंगे। ठीक है पापा, टास्क क्या है? पहले ये बताओ कि तुम तीनों के पास कितने कितने पैसे हैं। मेरे अकाउंट में और कैश को मिलाकर लगभग होंगे मेरे पास 95,000 रुपये। और दीपांशु तुम्हारे पास? मेरे पास पापा होंगे 90,000 के आसपास। और संजू बेटा तुम्हारे पास? मेरे अकाउंट में तो एक भी नहीं है। हाँ कैश होंगे 1,000 रुपये मेरे पास। बस 1,000 रुपये? रुको एक मिनट, देखो अब तुम तीनों को जाना है, और जो सबसे पहले मुझे 1,00,000 रुपये लाके दे देगा वही इस टास्क को पूरा कर लेगा, और वही इस कंपनी में मेरी जगह लेगा। बस इतनी सी बात? 95,000 रुपये मेरे पास है ही, कमी कितनी की है? सिर्फ 5,000 की, वो मैं किसी से आपको ला कर दे दूंगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ और मेरे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, 90,000 मेरे पास हैं और 10,000 मैं कहीं से अरेंज कर लूँगा। और भाई सुन, तू तो जा ही मत यार, तेरे पास 1,000 है, 99,000 कौन देगा तुझे? सही कह रहे दीपांशु, जब पापा इसको कभी भी पैसे देते थे तो मना कर दिया करता कि मुझे नहीं चाहिए, ये वो पता नहीं कितने ड्रामे करता था, और अब देख जब आज इसको पैसे की जरूरत है तो पता नहीं है क्या करेगा। पापा मैं कर लूंगा, कर लूंगा। अरे हम भी तो देखे कहाँ से होंगे, वैसे सबसे पहले तो मेरे ही होंगे पापा। तुझसे पहले मेरा होगा, वो तो टाइम बताएगा। और भाई तू सुन, तू रहने दे यार, तू बाहर जाएगा ना तो 99,000 कोई देने नहीं वाला तुझे, तू अपना टाइम खराब ही करके आएगा, तो बेहतर यही होगा कि तू घर में बैठा रहे। और देख हम पैसे लेकर आते हैं, हमें देखियो पैसे कैसे लाए जाते। ठीक है तो फिर तुम तीनों जाओ और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अरे क्या बात है, गया ही नहीं क्या? लगता है इसको सच्चाई पता थी कि कोई पैसे देगा ही नहीं, इसलिए गया ही नहीं। तो अच्छी बात है ना इसके लिए। और बेटा आ गए आप लोग? हाँ जी। तो सागर बेटा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? पापा 95,000 रुपये। 95,000? तो 95,000 तो तुम्हारे पास थे ही, और किसी से नहीं मिले? नहीं पापा, वो किसी ने नहीं दिए पैसे, तो मेरे पास तो 95,000 ही रुपये हो पाए। और दीपांशु बेटा तुम्हारे पास? पापा मेरे पास भी 95,000 ही हैं। अच्छा तो 90,000 तो तुम्हारे पास थे ही, और केवल 5,000 ही मिले? हाँ पापा। और वो किससे मिले? वो किसी ने मुझसे ले रखे थे तो मैंने उससे वापस मांग लिए, बस उसी ने दिए, किसी और से नहीं मिले मुझे। और संजू बेटा तुम्हारे पास? अरे पापा आप किससे पूछ रहे हो, जिसके पास सिर्फ 1,000 रुपये थे, हमारे पास 90-95,000 रुपये होने के बाद भी 1,00,000 रुपये पूरे नहीं हो पाए, तो फिर इसके पास कहाँ से होंगे? पापा भी ना। पापा मेरे पास पूरे 1,00,000 रुपये है। एक लाख देखा तुम दोनों? और संजू बेटा तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? पापा मैं जिन दोस्तों के साथ रहता हूँ या जिन लोगों में बैठता हूँ उन लोगों को मुझ पर बहुत विश्वास है, क्योंकि
मैंने अगर कभी कोई कमिटमेंट किया है तो मैंने वो पूरा किया है, जो बोला है वो किया है, या उनसे कभी पैसे लिए या कुछ चीज़ ली है तो वो टाइम से या टाइम से पहले उनको वापस किया है, जिससे वो मेरे पे विश्वास करते हैं। और आपने तो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए बोला, अगर आप 10 लाख 15 लाख के लिए भी बोलते तो मैं वो भी ले आता, क्योंकि मेरे हिसाब से इंसान की जुबान की वैल्यू होती है। वाह बेटा, मान गए संजीव बेटा आज। और तुम दोनों ने देखा, ये होती है साख, ये होती है समाज में लोगों में जुबान। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी जेब में पैसा हो या नहीं हो, लेकिन लोगों में तुम्हारा विश्वास हो, तुम्हारा भरोसा हो, जिसकी कीमत होती है, और तुम्हारी जुबान की कीमत होनी चाहिए, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो संजू के पास केवल 1,000 रुपए थे और तुम लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, तुम दोनों से 5 और 10 हजार भी नहीं हुए और वो 99,000 रुपए लेके आ गया। ये होता है लोगों में विश्वास। संजू का लोगों में विश्वास है, भरोसा है, उसकी जुबान की कीमत है, इसलिए संजू इस टास्क में जीत गया और आज से संजू इस कंपनी में मेरी जगह लेगा और तुम दोनों उसके अंडर में काम करोगे, तब इस कंपनी को ऊंचाई पर ले जाओगे। थैंक यू बाबा, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोनों भाई मेरे अंडर काम ना करें बल्कि मेरे साथ काम करें और हम तीनों भाई मिलकर इस कंपनी को आगे लेके जाएंगे। शाबाश बेटा। संजू बेटा, बेटा हो तो तुम जैसा और भाई भी हो तो तुम जैसा, देखा ये है तुम्हारा भाई और ये है मेरा बेटा, सीखो इससे कुछ। हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम ही पागल थे जो भाई को गलत समझा करते थे। पापा अब से ना भाई की हर बात मानेंगे हम, और वो जैसे जैसे हमें जो भी सिखाएंगे ना हर चीज सीखेंगे उनसे। हाँ पापा, आप देखना एक दिन हम तीनों भाई मिलकर आपको प्राउड फील कराएंगे। वाह शाबाश, आओ मेरे बेटो। वाह, आज मुझे तीनों बेटों पर गर्व है। शाबाश।